मुझे कितनी बार आप लोगों ने सीबस के बारे में बोलते हुए सुना होगा, मतलब बोलते हुए तो क्या बकवास करते हुए सुना होगा, जब देखो सीबस सीबस बोलता रहता है। और ये सीबस है क्या, हमें तो आज तक इसने बताया नहीं, बस एक व्लॉग में थोड़ी सी दिखा दी और कहता कि हाँ बस ये सीबस से हम मांग गए, ठीक है। तो आज ये व्लॉग किसी के बारे में नहीं, ना मेरे बारे में, ना मेरी कहानी के बारे में, आज ये व्लॉग है सीबस की कहानी के बारे में। तो थोड़ी देर में शुरू करेंगे, क्योंकि जहाँ पर सीबस है वहीं पे अपन की नौकरी है, आज वहीं पे अपन की आज शिफ्ट है, तो हम वहाँ जाएंगे और मचाते हैं थोड़ी सी वाइब्स। हाँ जी दिलबरोस, तो मैं रेडी हो गया हूँ जॉब के लिए, इसके बाद अभी शिफ्ट कंप्लीट करते हैं और उसके बाद ये जो कहानी है बहुत ही सुंदर कहानी है, तो वो शुरू करेंगे। किसकी? सीबस की। बने रहिए। चौक स्टेशन पे, और यहाँ से अगर मैं उस साइड जाऊँगा तो जनकपुरी वेस्ट है, इस साइड जाऊँगा तो जनकपुरी ईस्ट है, और आगे क्या है, गुड़गांव और पीछे दिल्ली है, तो फिर वो हो जाता ना गुड़गांव दिल्ली। साफ सफाई चल रही है और ये मैं आखिरी की कुछ ड्रिंक है जो अपने लिए बना रहा हूँ। आइस खत्म हो गई है तो आइस के बिना ही बन रही है ये ड्रिंक। तो भाई की ड्रिंक रेडी हो गई है और स्प्रिंग कप्स आ गए नए, और अब शुरू करते हैं और चलते हैं। सी ऑन द अदर साइड। फर्ज कीजिए कि एक नदी है, अरे फर्ज क्या करना है, मान लो ना कि नदी है और ये कहानी है, तो हर कहानी की तरह इस कहानी में किरदार भी होंगे, और किरदार है तो उनके नाम भी होंगे। तो इस नदी का नाम यानी कि इस किरदार का नाम इस कहानी में हम रखेंगे सात समंदर। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपको ये सात समंदर पार करने हैं, क्योंकि सात समंदर पार आपको आपका प्यार मिलेगा। और कहते हैं ना कि बस वही। तो अब ये सात समंदर पार आपको करवाएगा कौन? आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। कार, नहीं, क्लीशे, सेकंड ऑप्शन बस उल्टी आती है, और थर्ड ऑप्शन यानी कि लास्ट ऑप्शन सी बस। टिंग, सही चॉइस। बट सी बस एक और किरदार है और इस कहानी का मेन किरदार है, तो उसका भी एक नाम होना चाहिए। तो इस बार इस कहानी में इस सी बस का नाम होगा प्यार की कश्ती। और वो कहते हैं ना, प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में। हाँ बस वही। तो ये प्यार की कश्ती आपको ये सात समंदर पार करवाएगी और आपको आपके प्यार से मिलाएगी। मगर ये पूरी कहानी का मेन मसला तो यहाँ के रुक जाता है कि प्यार है किससे। क्लिफहैंगर तो यही है ना कि अबे प्यार है कौन। तो प्यार तो अभी मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन है, बट एक चीज जरूर बता सकता हूँ कि ये जरूरी तो नहीं है ना कि प्यार हमेशा इंसानों से हो। कहीं लिखा तो नहीं है ना ये। बस अगर आप इस बात पे एग्री करते हैं तो कहानी की एंडिंग बहुत मस्त होने वाली है।
naked in the rear view. Our reflection is a stranger to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. Now it's messing with my head, yeah. We don't say goodbye the best. I still feel ghosts inside my chest. No, we didn't learn our lesson. But if you want, can we try again? We don't say goodbye the best. I still feel ghosts inside my chest. No, we didn't learn our lesson. But if you want, can we try again? Try again. तो ये थी सीबस और ये हूँ मैं और पीछे है मेरा प्यार. और मैंने कहा था ना कि सिर्फ इंसानों से प्यार थोड़ी होता है, कुदरत से भी तो हो सकता है. हाँ मतलब चलो कुदरत वाली बात नहीं बोली, बट इंसानों वाली तो बात सच है ना. और अगर आप वैनकूवर आ रहे हैं तो शायद आपको भी यहाँ पर इस जगह से इस पल से उतना ही प्यार हो जाएगा जितना मुझे हर बार होता. तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में. बाय.